बहुत सब तरफ वहाँ की वजह से मौत की जलन मेक्सिको के एक छोटे से शहर में व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के अपहरणकर्ताओं की अफवाहें फैल गई। अफवाहें नकली थीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की जांच से पहले दो लोगों को मार डाला। 2 अगस्त को दोपहर के बाद थोड़ी देर के बाद केंद्रीय मेक्सिकन राज्य पुएब्ला में अकालान के छोटे शहर में एक कला और शिल्प की दुकान के मालिक मोराकेटो ने देखा कि उनकी दुकान के बगल में नगर पालिका पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने की असामान्य संख्या में लोग कौतूहल 75 दरवाजे के करीब चले गए और बाहर पेयर शहर के मुख्य गहन रिफॉर्म स्ट्रीट पर पुलिस स्टेशन के बाहर कई लोग थे और भीड़ सूजन हो रही थी। जल्द ही 100 से ज्यादा लोग होंगे। छुट्टियों के उत्सव को छोड़कर आगतलान में ऐसी भीड़ को देखकर कॉडेरो याद नहीं किया जा सका जैसा कि उसने देखा कि एक पुलिस कार ने अपनी दुकान को दो जेलों को छोटे जेल हाउस में पास कर दिया। कार के बाद और अधिक लोगों और क्रिया भीड़ से निकल गयी जो 2 लोगों पर आरोप लगा दी थी जिन्हें बाल अपहरणकर्ताओं के जेल हाउस में ले जाया गया था। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक संकीर्ण धातु द्वार के पीछे से पुलिस ने जवाब दिया कि पुरुष बच्चे अपहरणकर्ता नहीं थे लेकिन मामूली अपराधी थे। वे मामूली अपराधी थे, अधिकारियों ने बार बार कहा, क्योंकि भीड़ आकार में बड़ी। स्टेशन के अंदर 21 वर्षीय रिकॉर्ड ऑफिसर्स बैठे थे जो सिर्फ कालानान के बाहर बड़े हुए थे लेकिन कानून का अध्ययन करने के लिए उत्तर पूर्व में 250 किलोमीटर जलापा चले गए और उनके चाचा अल्बर्टो फ्लोरस जो 43 वर्षीय किसान रहते थे अकेतलान के बाहर बस एक छोटे से समुदाय में दशकों के लिए रिकॉर्डो हाल ही में रिश्तेदारों से मिलने के लिए अकालान लौट आया था जिन्होंने कहा था कि 2 लोग उस दिन शहर के केंद्र में एक ठोस ब्लॉक पानी के काम पर काम खत्म करने के लिए निर्माण आपूर्ति खरीदने के लिए गए थे। पुलिस ने कहा कि पुरुषों ने कोई अपराध नहीं किया है और स्थानीय निवासियों द्वारा लगाए जाने के बाद उन्हें शांति को परेशान करने के लिए स्टेशन में ले जाया गया था लेकिन रिफॉर्मा स्ट्रीट पर स्टेशन के बाहर की भीड़ घटनाओं के एक अलग संस्करण की पकड़ में थी। एक कहानी कहीं अज्ञात हो गई और निजी मैसेज इंडियन व्हाट्सएप के माध्यम से फैल गई। फोन से फोन करने वाले संदेश में कहा गया है, कृपया सभी को सतर्क रहें क्योंकि बच्चे के अपहरणकर्ताओं की एक पीड़ा देश में प्रवेश कर चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपराधी और अंकों की तस्करी में शामिल है। पिछले कुछ दिनों में 4, 8 और 14 वर्ष के बच्चे गायब हो गए हैं और इनमें से कुछ बच्चे संकेतों के साथ मृत पाए गए हैं कि उनके अंग हटा दिए गए थे, उनके पेट खुला था जो खाली थे। सेंट विंसेंट पोर्टल रिकॉर्डो और अल्बर्टो नामक पास के एक समुदाय में एक प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित सामूहिक भय से अपहरण करने वाले बच्चे के अपहरणकर्ता बन गए और उनकी गिरफ्तारी की खबरें फैल गईं जैसे कि बच्चों के अपहरणकर्ताओं की अफवाहें थी। पुलिस स्टेशन पर उतरने वाली भीड़ को फ्रांसिस्को मार्टिनेज ने भाग लिया था जो एल्टेगुआ ने तुक के नाम से जाना जाने वाला कालानान के लंबे समय के निवासी थे। पुलिस के मुताबिक मार्टिनेज उन लोगों में से एक थे जिन्होंने फेसबुक पर संदेश फैलाए और व्हाट्सएप रिकॉर्डो और अल्बर्टो पर आरोप लगाया। पुलिस स्टेशन के बाहर वे अपने फोन के माध्यम से फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अकेतलान डी ओसोरियो पुएब्ला के लोग कृपया अपना समर्थन दें। उन्होंने कैमरे में कहा, मेरा विश्वास करो, अपहरणकर्ता अब यहाँ है। जैसा कि मार्टिनेज ने शहर को रैली करने का प्रयास किया था, पुलिस द्वारा पहचाने जाने वाले एक अन्य व्यक्ति केवल मैनुअल के रूप में पुलिस स्टेशन के बगल में अपनी वैश्विक शैली के टाउन हॉल भवन की छत पर चढ़ गए और स्थानीय कार्यालयों को सतर्क करने के लिए सरकारी कार्यालय की घंटी बज गई। पुलिस रिकॉर्डो और अल्बर्टो को रिहा करने की योजना बना रही थी। एक तीसरा आदमी पेट्रोनिलो कास्टेलिन एक बेसर नागरिकों को आग लगने के लिए नागरिकों को आग लगाने के लिए 2 लोगों को सेट करने के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और वह भीड़ इकट्ठा करने के लिए भीड़ के माध्यम से चला गया।
अपनी दुकान में मौरा कॉर्डरो भय से देखा, जब तक कि वह बाहर किसी से नहीं सुना कि उन्हें भागना चाहिए क्योंकि भीड़ पुरुषों को आग लग देगी। प्रिय भगवान, उसने सोचा, यह संभव नहीं है। क्षणों के बाद भीड़ ने एक कोई के साथ एक भीड़ में एकत्र किया। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर संकीर्ण द्वार खुलेगा और रिकॉर्डो और अल्बर्टो फ्लोरेस को बाहर खींच लिया गया था। जैसे जैसे लोग अपने फोन को फिल्म के लिए ऊंचा रखते थे, पुरुषों को चार पत्थर के चरणों के आधार पर फर्श पर धकेल दिया गया था और सख्ती से पीटा गया था। तब पेट्रोल जो पहले लाया गया था उन्हें डाला गया था। प्रत्यक्षदर्शी मानते हैं कि रिकॉर्डो पहले से ही मारने से मर चुका था, लेकिन जब वह दो पुरुषों को आग लग देता था तब उसका चाचा अल्बर्टो जीवित था। वीडियो फुटेज दिखाता है कि उसके अंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि आग उनके चारों ओर ताली जाती है। जलाए गए शरीर जलाए जाने के दो घंटे बाद जमीन पर बने रहे, जबकि राज्य अभियोजकों ने पुएब्ला शहर से अकाला नाम तक अपना रास्ता बना दिया और पेट्रोल की रील हवा में बनी रही। रिकॉर्डो की दादी पेट्रोलिया गाजिया को पुरुषों की पहचान करने के लिए दृश्य में बुलाया गया था और उसने कहा कि वह आने पर अल्बर्टो के कानों पर आंसू अभी भी थे। देखो तुमने उनके साथ क्या किया, उसने भीड़ के अवशेषों पर चिल्लाया जो फैलना शुरू कर दिया था। पुलिस स्टेशन के पास एक टैक्सी स्टैंड से काम करने वाले एक ड्राइवर कार्लोस क्वींस ने कहा, यह सबसे भयानक चीजों में से एक था जो कभी भी एकालान में हुआ था। शहर के हर बिंदु से धूम्रपान के कॉलम देखे जा सकते हैं। एक्टलान में चलने वाली सड़क मक्का और मेमरी गोल्ड क्षेत्रों द्वारा दोनों तरफ लाइन की जाती है। आम, अंजीर और अखरोट के पेड़ स्थानीय किसानों के स्वामित्व वाली भूमि के विशाल भूखंडों से उगते हैं। यह शहर मिट्टी का हाईलैंड्स के दिल में घिरा हुआ है और इसे मिक्सटेका क्षेत्र का तल के रूप में जाना जाता है। मिक्सटेक्स में सो अमेरिकन स्वदेशी समूहों का एक संदर्भ जो सदियों पहले क्षेत्र में पहले बस गया था। एक्टलान के अधिकांश परिवार उन रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए रेशन पर निर्भर करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए हैं। मेक्सिको के कई अन्य शहरों की तरह इसने देखा है कि हजारों नागरिक बेहतर अवसरों की तलाश में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। 2000 के दशक के आरंभ में उन प्रवासियों में से मारियो डेल रोसेरो रोड्रिगेज और जोस गुआडालो पिफ्लोरेस थे जो उत्तर में अपने दो युवा बेटों के पीछे बेहतर रहने की स्थिति में उत्तर ले गए। जोस गुआडालो जूनियर और उनके छोटे भाई रिकॉर्डो 7 और 3 वर्ष के दो लड़के वेराक्रूज राज्य में छलपा में अपनी दादी पेट्रोलिया गाजिया के साथ पीछे रहे। उनके माता पिता अमारिया और जोस गुआडालो पूर्वी तट शहर बाल्टीमोर में अपना घर बनाने से पहले अमेरिका में शहर से शहर चले गए। अमारिया एक घरेलू कार्यकर्ता और जोस गुआडालो पे एक निर्माण कार्यकर्ता बन गई और उनके पास तीसरा बच्चा था और उसे किम्बले कहा जाता था। फेसबुक और फैक्टबैंक के माध्यम से वे घर पर अपने दो बेटों के साथ निरंतर संचार करते रहे। फिर 2 अगस्त को मारिया को फेसबुक संदेशों की एक स्ट्रिंग मिली जो पहले एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। एक्टलान में एक करीबी दोस्त उसे बता रहा था कि उसके बेटे रिकॉर्डो को गिरफ्तार कर लिया गया था और बच्चे के अपहरण का संदेह था। उसने सोचा यह एक गलती थी, रिकॉर्डो ऐसी चीज से कभी शामिल नहीं होगा, लेकिन संदेश आ रहे थे। फिर फेसबुक पर एक जीवित रहने का एक लिंक आया और जब उसने उस पर क्लिक किया तो उसने एक भीड़ देखी। फिर उसने देखा कि उसके बेटे और उसके भाई को भीड़ ने पीटा था। व्यर्थ में उसने लिव स्ट्रीम पर एक टिप्पणी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, कृपया उन्हें चोट न दे, उन्हें मत मारो, वे बच्चे अपहरणकर्ता नहीं हैं। लेकिन उनके संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने डरावनी चीज देखी क्योंकि पुरुषों को पेट्रोल में रखा गया था और उसी तकनीक ने अकालान में एक आदमी को अपने बेटे को मारने के लिए एक भीड़ को बुलाए जाने की अनुमति दी और उसे मरने की अनुमति दी। उस दिन बाद में मारिया जोस गुआडालो और किम्बले एक दशक से अधिक समय में पहली बार एक्टलान लौट आए। वहाँ उन्होंने अल्बर्टो की विधवा जजमेंट सिंचेस से मुलाकात की
जिन्होंने फेसबुक पर घटनाओं को भी देखा था, दर्शकों से जैसमिन और अल्बातोसा या कैटलान डी ब्राफो में एकेटलान के बाहर सिर्फ 14 किलोमीटर रहते थे, हर दिन अल्बातो मक्का फील्ड में काम करने गया था, जिसने अपने आसपास के तियांगवस्टल भूमि स्वामित्व वाली जमीन पर लगाया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने तियांगवस्टल भूमि एक छोटे आधे घर के साथ साथ पत्नी और तीन बेटियों के लिए इसे छोड़ दिया। जजमन ने कहा, वह एक अच्छा इंसान था, वह जिस तरह से मरने के लायक नहीं था, उसने एक टोपी, एक बेल्ट और उसके पति से संबंधित एक बटुआ पकड़ा। हमारिया और जोसगुआ दालू तियांगवस्टल में एक छोटे घर लौट आए, जब उन्होंने अमेरिका के लिए बाहर निकलते हुए अपने बेटों के लिए छोड़ा था घर के पीछे खड़े होकर। मारिया ने अपने बेटे को याद किया, उन्हें तितलियों को पसंद आया और घर के चारों ओर मक्का के मैदानों के माध्यम से चल रहा था। वह कानून का अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वह अन्याय से लोगों की रक्षा करना चाहता था। उन्होंने उसे हमसे लिया और उसने हमारी देखभाल करने के लिए एक बच्चा भी पीछे नहीं छोड़ा, उसने कहा।